हाय एवरी वेलकम बैक टू माय चैनल आज का हमारा टॉपिक है कॉमन लैब एपरटस जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आज का जो वीडियो होगा वो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाला है क्योंकि आज का जो लेक्चर है वो क्या है हमारा कॉमन लेबरेटरी अपर्टस या ग्लासवेयर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे ठीक है लेक्चर में हम सभी ग्लासवेयर के बारे में पढ़ेंगे और जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे जो हम लेबरेट्री में यूज करते हैं इससे पहले हमने डिस्कस किया था लैब इंस्ट्रूमेंट एंड देयर यूजेस अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी आप वहाँ से देख सकते हैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे बेलाइकन को ऑन कर दे ओके लेट स्टार्ट दी टॉपिक तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं लैब एपर्टस जो कि है ग्लास रॉड आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं ग्लास रॉड कैसा दिख रहा है इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ग्लास स्टीरिंग रोड और स्टीर रोड ग्लास रोड को हम लोग ग्लास स्टीरिंग रोड भी कहते हैं और स्टीर रोड भी कहते हैं इट इज़ अ थिक सिलेंड्रिकल स्टिक ग्लास तो ग्लास रोड कैसा है थिक है सिलेंड्रिकल स्टिक ग्लास है ठीक है इट इज़ अवेलेबल इन वेरियस थिकनेस ग्लास रोड जो होता है वो वेरियस थिकनेस पे अवेलेबल होता है ठीक है इट इज़ यूज फॉर मिक्सिंग लिक्विड और केमिकल तो हम लोग ग्लास रोड का कब यूज करते हैं जब हमें कोई भी केमिकल या लिक्विड को मिक्स करना होता है तब हम ग्लास रोड का यूज करते हैं इट इज़ मेड ऑफ सॉलिड ग्लास ग्लास रोड किसका बना होता है सॉलिड ग्लास का बना हुआ होता है तो सेकेंड जो हमारा लैब एपर्टस है वो है टेस्ट ट्यूब। आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं टेस्ट ट्यूब कैसा है इट इज़ अ होलो ट्यूब क्लोज्ड एट वन इंड एंड हैज सर्कुलर रिम एट अदर इंड तो टेस्ट ट्यूब कैसा दिख रहा है होलो ट्यूब है ठीक है जो कि एक इंड इसका क्लोज होता है और दूसरा इंड जो है वो सर्कुलर रिम होता है दूसरे इंड पे इट इज यूज फॉर मिक्सिंग और हीटिंग केमिकल इन लेबोरेटरी टेस्ट ट्यूब का हम यूज कब करते हैं जब हमें कोई भी लिक्विड या कोई भी केमिकल को हीट करना होता है या मिक्स करना होता है ठीक है एवेलेबल इन वेरियस लेंथ एंड विथ टेस्ट्यूब का बहुत सारा लेंथ होता है बहुत ही बहुत ही अलग अलग ये लेंथ और विथ पे अवेलेबल होता है टैपिकली फ्रॉम टेन टू ट्वेंटी एम एम वाइड एंड फिफ्टी टू टू हंड्रेड एम एम लॉन्ग इसका जो वाइड होता है ये टेपिकली टेन टू ट्वेंटी एम mm एम होता है और जो लॉन्ग होता है ये फिफ्टी टू टू हंड्रेड एम एम लॉन्ग होता है इट इज़ मेड अप ग्लास ये किसका बना हुआ होता है टेस्ट ट्यूब ये ग्लास का बना हुआ होता है नेक्स्ट जो ट्यूब है हमारा वो है बॉयलिंग ट्यूब इट इज सिमिलर टू दी टेस्ट ट्यूब विद अ लार्ज कैपेसिटी बॉयलिंग ट्यूब आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं ये सिमिलर होता है टेस्ट ट्यूब का बट इसका जो कैपेसिटी होता है वो लार्ज होता है ठीक है यानी कि इसमें कोई भी हम केमिकल या लिक्विड लार्ज अमाउंट में हम लोग स्टोर कर सकते हैं इट कैन बी यूज फॉर स्ट्रांग हीटिंग ऑफ सब्सटेंस एज इट इज मेड अ पायरेक्स ग्लास इसको हम कैसे यूज करते हैं जब हमें कोई भी सब्सटेंस को स्ट्रॉन्ग हीट करना होगा तब हम इसे यूज करते हैं और इस ये किससे बना होता है ये पायरेक्स ग्लास से बना हुआ होता है नेक्स्ट जो ट्यूब है वो है फ्यूज़न ट्यूब आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं फ्यूज़न ट्यूब कैसा दिख रहा है इट इज़ अ वेरी स्मॉल साइज टेस्ट ट्यूब फ्यूजन ट्यूब जो होता है बहुत ही छोटा होता है अबाउट वन टू टू एम एल कैपेसिटी इसका कैपेसिटी कितना होता है एक से दो एम एल कैपेसिटी होता है इट इज मेड ऑफ फ्रेजाइल ग्लास दैट कैन बी ब्रोकन इजली फ्यूजन ट्यूब किसका बना होता है फ्रेजाइल ग्लास का बना होता है जो कि इजली टूट जाता है तो चलिए जो नेक्स्ट है लैब एपर्टस वो है टेस्ट ट्यूब स्टेन रेक टेस्ट ट्यूब स्टेंड आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं कैसा है टेस्ट्यूब स्टेंड में क्या करते हैं हम टेस्ट ट्यूब को रखते हैं टेस्ट्यूब स्टेंड आर लैब इक्विपमेंट टू होल्ड अप राइट मल्टीपल टेस्ट ट्यूब एट द सेम टाइम टेस्ट ट्यूब रेक में हम क्या करते हैं ये एक लैब इक्विपमेंट है जिसमें हम लोग क्या करते हैं बहुत सारे टेस्ट ट्यूब को रखते हैं सेम टाइम पे ठीक है बहुत सारे टेस्ट ट्यूब को सजा के रखते हैं दे आर मोस्ट कॉमनली यूज वेन डिफरेंट सोल्यूशंस आर नीडेड टू वर्क विथ सिमशनली एंड टू ईज ट्रांसपोर्ट ऑफ मल्टीपल ट्यूब इसको हम कब यूज करते हैं जब हमें बहुत सारे सैम्पल्स को करना होता है बहुत सारे सोल्यूशन uh, जब बहुत सारे हमें वर्क करना होता है डिफरेंट सॉल्यूशन पे ठीक है तब उस टाइम में हम क्या करते हैं सारे टेस्ट ट्यूब को टेस्ट ट्यूब स्टेन में रख देते हैं और ये ईजी होता है जब हमें अगर टेस्ट ट्यूब को कैरी करना होता है एक जगह से दूसरी जगह तो हम टेस्ट ट्यूब को किस में रख देते हैं टेस्ट ट्यूब स्टेन में रख देते हैं और ईजिली हम यहाँ से वहाँ टेस्ट ट्यूब को कैरी कर सकते हैं अब है टेस्ट ट्यूब होल्डर आप यहाँ पर डायग्राम में देखिए टेस्ट ट्यूब होल्डर कैसा दिख रहा है इट इज यूज टू होल्ड टेस्ट टेस्ट ट्यूब ट्यूब होल्डर का काम होता है टेस्ट ट्यूब को पकड़ कर रखना इट इज फॉर होल्डिंग टेस्ट ट्यूब ट्यूब इन प्लेस द इज हॉट और सु नॉट बी टेस्ट ट्यूब होल्डर हम कब यूज करते हैं टेस्ट ट्यूब होल्डर का काम होता है टेस्ट ट्यूब को पकड़ के रखना ठीक है टेस्ट ट्यूब होल्डर हम कब यूज करते हैं जब टेस्ट ट्यूब बहुत ही गर्म होता है जब हम काम कर रहे होते हैं टोस्ट्यूब को हम जब हीट कर रहे होते हैं ठीक है तो उसमें जो लिक्विड होता है वो गर्म हो जाता है उस समय हम अपने हैंड से उसे टच नहीं कर सकते इसलिए हम ट्यूब होल्डर का यूज करते हैं ट्यूब होल्डर में हम ट्यूब को प्लेस कर देते हैं और जब हमें टच नहीं करना चाहिए उस समय में हम ट्यूब होल्डर का यूज करते हैं ये नेक्स्ट है हमारा टोंग आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं यूज टू होल्ड आर्टिकल्स टू मूव फ्रॉम वन लोकेशन टू अनादर टोंग का हम कब यूज करते हैं जब हमें कोई भी आर्टिकल को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना होता है टोंग्स आर कंस्ट्रक्टेड ऑफ स्टेनलेस स्टील ये किससे बना होता है स्टेनलेस स्टील का बना हुआ होता है वूड नाइलॉन अलमूनियम एंड हीट रेसिस्टेंट मेटेरियल ये किससे बना होता है स्टेनलेस स्टील का बना होता है वूड का होता है नाइलॉन का अलुमिनियम का और हीट रेसिस्टेंट मटेरियल का ये बना हुआ होता है ठीक है नेक्स्ट हमारा राउंड बॉटम फ्लास्क आप यहाँ पे देख सकते हैं राउंड बॉटम फ्लास्क कैसा दिख रहा है राउंड बॉटम फ्लास्क इसका जो बेस है ये राउंड है ठीक है इट इज अ ग्लास बोतल हैविंग अ राउंड बॉटम विथ अ लॉन्ग नेरो नेक तो इसका जो बॉटम है ये कैसा दिख रहा है आपको राउंड दिख रहा है ठीक है और जो इसका नेक है ये लॉन्ग नेरो नेक है ठीक है इट इज़ अ मेड ऑफ बोरोसिलेट हीट रेसिस्टेंट ग्लास राउंड बॉटम फ्लास्क किसका बना होता है बोरोसिलिकेट हीट रेसिस्टेंस ग्लास का बना होता है ठीक है विच मेक्स देम आइडियल फॉर बॉयलिंग लिक्विड ये ये बोरोसिलिकेट ही ग्लास का बनने के कारण क्या करता है ये अच्छा होता है बॉयलिंग कोई भी लिक्विड करने के लिए मतलब कि राउंड बॉटम फ्लास्क जो होता है ये बोरो बोरोसिलेट ग्लास का बना होता है इसलिए ये अच्छा होता है जब हम कोई भी लिक्विड या कोई भी केमिकल को हीट करते हैं तो इस ये अच्छे से हीट हो जाता है इट इज़ यूज इन एक्सपेरिमेंट्स वेयर हीटिंग इज नेसेसरी हम इसका कब यूज करते हैं जब हम कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जब हमें कोई भी लिक्विड या केमिकल हीट करना होता है तब हम यूज करते हैं राउंड बॉटम फ्लास्क का तो चलिए नेक्स्ट जो है वो है वॉल्यूमेट्री फ्लास्क वॉल्यूमेट्री फ्लास्क क्या है आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं फ्लैट बॉटम बल्ब इसका जो बॉटम वो कैसा है फ्लैट है ठीक है लॉन्ग नेक, नेक कैसा है? लॉन्ग है बॉटम कैसा है फ्लैट है यूजली फिटेड विथ स्टोपर ये फिटेड होता है स्टोपर से ठीक है द नेक है सिंगल रिंग ग्रेजुएशन मार्क एंड लेवल इसका जो नेक है ठीक है यहाँ पे क्या होता है सिंगल रिंग ग्रेजुएशन मार्क होता है यहाँ पे कुछ मार्किंग किया जाता है और लेवल होता है यूज फॉर मेकिंग सॉल्यूशन टू अ नॉन वॉल्यूम तो ये कब हम यूज करते हैं जब हमें नॉन वॉल्यूम पता होता है तब हम वॉल्यूमेट्री फ्लास्क का यूज करते हैं नेक्स्ट है हमारा क्लोनिकल फ्लास्क कॉनिकल फ्लास्क क्या है आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं कैसा है ये इट इज अ ग्लास बोतल हैविंग अ क्वनिकल सेप ये ग्लास बोतल है जिसका सेप कैसा है कॉनिकल ठीक है इट इज ऑल्सो कॉल्ड अर्लैंड मेयर फ्लास्क हम लोग कॉनिकल फ्लास्क को अर्लैंड मेयर फ्लास्क भी कहते हैं और टाइट्रेशन फ्लास्क भी कहते हैं इट इज जनरली यूज फॉर कैरिंग आउट टाइट्रेशन ये कब यूज होता है जब हमें टाइट्रेशन कराना होता है ठीक है एवेलेबल इन वेरियस साइज एंड मे बी ग्रेजुएटेड फ्रॉम ग्रेजुएटेड और सिंपल विदाउट ग्रेजुएशन दे आर मेड ऑफ ग्लास एंड प्लास्टिक ये बहुत सारे साइज पे अवेलेबल होता है ठीक है और इस, इसमें ग्रेजुएटेड भी रहता है कुछ इसमें कुछ लिखा हुआ ही रहता है कभी कभी बिना ग्रेजुएशन का ग्रेजुएटेड का भी होता है और ये कैसा बना होता है किससे ये ग्लास से बना होता है और प्लास्टिक का भी बना होता है ठीक है ये ग्लास में भी अवेलेबल होता है और प्लास्टिक में भी अवेलेबल होता है क्वनिकल फ्लास्क का सेप होता है क्वनिकल और इसे हम लोग अर्लन मेयर मेयर फ्लास्क और टैट्रेशन फ्लास्क भी कहते हैं तो चलिए नेक्स्ट हमारा है फनल फनल का आप सेब देख लीजिए कैसा होता है इट इज अ कॉन्प्ट कैसा सेब है कॉन्सेप्ट एपर्टस है ठीक है कॉन्प्ट का है दैट इज़ वाइड एट दी टॉप एंड नेरो एट दी बॉटम ये जो है टॉप पे कैसा है वाइड है और बॉटम में नेरो है ठीक है नेरो होने के कारण यहाँ से हम कोई भी सैंपल वगैरह डालते हैं कोई भी पाउडर या कोई भी सॉल्यूशन डालते हैं और बॉटम से ये नेरो होने के कारण निकलता है इट इज़ यूज फॉर ट्रांसफर ऑफ लिक्विड इन टू नेरो नेक एपर्टस ये हम क्या करते हैं फनल के फनल में हम क्या करते हैं कोई भी सैंपल वगैरह डालते हैं कोई भी सॉल्यूशन डालते हैं ठीक है और ये नेक एपर्टस होने के कारण सैंपल यहाँ से निकल जाता है मेड ऑफ ग्लास प्लास्टिक स्टेनलेस स्टील किससे बना होता है ये ग्लास से भी बना होता है प्लास्टिक का भी होता है स्टेनलेस स्टील का भी होता है ठीक है नेक्स्ट है हमारा बीकर हम यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं बीकर कैसा दिख रहा है ये बहुत सारे साइज पे अवेलेबल होता है इट इज़ अ वेशल दैट इज कॉमनली यूज फॉर ट्रांसफरिंग लिक्विड ये एक वेशल है जो कि यूज हम करते हैं ट्रांसफरिंग लिक्विड के लिए कोई भी लिक्विड को ट्रांसफर करने के लिए इट हैज़ ए स्पाउट एट द रिम फॉर पावरिंग आउट लिक्विड इज ईजली यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये सेव ये स्पाउट इसे कहते हैं इसी के हेल्प से कोई भी लिक्विड हम डालते हैं ठीक है कोई भी अगर लिक्विड इसमें डाले तो स्पाउट से ही ये निकलता है इट इज मेड ऑफ ग्लास मेटल स्टेनलेस स्टील और अल्मोनियम ये किससे बना होता है ये ग्लास से बना होता है मेटल से बना होता है जो कि स्टेनलेस स्टील और अल्मोनियम का होता है ठीक है नेक्स्ट है हमारा इबोपरेटिंग डिस्क आप यहाँ पे डायग्राम में देखिए कैसा होता है इवोपरेटिंग डिस्क इट इज ऑल्सो नॉन एज पोर्सिल डिस्क और सेरामिक डिस्क और चाइना डिस्क इसे हम लोग पोर्सिलन डिस्क भी कहते हैं सिरेमिक डिस्क भी कहते हैं चाइना डिस्क भी कहते हैं इट इज यूज फॉर इवोपरेटिंग लिक्विड और हीटिंग सब्सटेंस इसका यूज हम कब करते हैं जब हमें कोई भी लिक्विड को इवोपरेट करना होता है या कोई भी लिक्विड को हीट हीटिंग करना हीट करना होता है ठीक है नेक्स्ट हमारा मेजरिंग सिलेंडर आप यहाँ पे डायग्राम में देखिए मेजरिंग सिलेंडर कैसा दिख रहा है इट इज ग्रेजुएटेड सिलेंडर मेड ऑफ ग्लास ये ग्रेजुएटेड सिलेंडर होता है आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका मार्किंग यहाँ पे मार्किंग है इसलिए हम लोग कहते हैं ग्रेजुएटेड ठीक है और किससे बना होता है ये ग्लास से बना हुआ होता है इट इज़ यूज फॉर अप्रोक्सीमेटली मेजरमेंट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड केमिकल्स और सोल्यूशंस इसका हम यूज कब करते हैं जब हमें कोई भी लिक्विड केमिकल और सोल्यूशन को मेजर करना होता approximately, है अप्रोक्सीमेटली ठीक है एवेलेबल इन डिफरेंट साइज मेड ऑफ ग्लास एंड प्लास्टिक ये बहुत सारे साइज पे अवेलेबल होता है छोटा भी होता है बड़ा भी होता है ठीक है इसका डिफरेंट साइज पे ये अवेलेबल होता है और ये बना हुआ होता है ग्लास का प्लास्टिक का ठीक है ग्लास का भी ये देखने को आपको मिलेगा और प्लास्टिक का भी देखने को मिल जाएगा तो चलिए नेक्स्ट जो है वो है ब्यूरेट ब्यूरेट आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं ब्यूरेट कैसा होता है कंसिस्ट ऑफ ग्रेजुएटेड ग्लास ट्यूब स्टॉप क्लॉक टर्निंग प्लग और स्पाइगोट एट द एंड ब्यूरेट जो होता है ग्रेजुएटेड ग्लास ट्यूब कंसिस्ट करता है विद स्टॉप क्लॉक ठीक है मतलब कि ऊपर से नीचे कितना लिक्विड और गैस आया हम नापते हैं इन मार्किंग से ही हम इस पे मार्क जो किया हुआ रहता है उसी से हम नापते हैं ठीक है यूज इन क्वान्टिटिव केमिकल एनालिस टू मेजर द वॉल्यूम और गैस क्या करते हैं इसके ग्रेजुएशन जो किया हुआ रहता है ठीक है उसी से हम क्या करते हैं जो भी वॉल्यूम है लिक्विड का और गैस का मापते हैं ब्यूरेट से यूज टिट्रेशन टू फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ अन लिक्विड हम यूज करते हैं टूट्रेशन का जब हमें अननाउन लिक्विड को फाइंड करना होता है ठीक है नेक्स्ट हमारा ब्यूरेट स्टेन आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं ब्यूरेट स्टेन कैसा होता है ए ब्यूरेट स्टेन इज अ वर्टिकल स्टेन प्रोवाइडेड विद टू स्क्रू क्लैंप्स टू कीप ब्यूरेट इन अ वर्टिकल पोजिशन ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट इन लेबोरेटरी ये स्टेन है जिसमें ब्यूरेट लगाया जाता है और ये जो पार्ट है ठीक है ये जो पार्ट दिख रहा है इसे हम कहते हैं क्लेम ब्यूरोड को इसी में फिक्स करते हैं तो ये क्या होता है ये एक वर्टिकल स्ट्रेन होता है जिसमें कि स्क्रू होता है जिसमें ब्यूरोड को हम सीधा खड़ा रखते हैं ठीक है नेक्स्ट है हमारा पीपेड पीपेड आप यहाँ पे डायग्राम में देखिए डिफरेंट डिफरेंट पीपेड आपको देखने को मिलेगा इट इज़ यूज टू मेज़र आउट और ट्रांसफर स्मॉल क्वांटिटी ऑफ लिक्विड इन वॉल्यूम ऑफ मिलीमीटर और माइक्रोलीटर तो हम पिपेट को क्या करते हैं पिपेट के हेल्प से हम जो है स्मॉल क्वांटिटी लिक्विड को हम ट्रांसफ़र करते हैं मेज़र करते हैं किसके वॉल्यूम में मिलीलीटर और माइक्रोलीटर के वॉल्यूम में दे आर मेड ऑफ ग्लास एंड प्लास्टिक पिपेट जो होता है ग्लास का भी बना हुआ होता है और प्लास्टिक का भी बना हुआ होता है ठीक है ये आपको लैब में देखने को मिलेगा ग्लास का भी देखने को मिलेगा और प्लास्टिक का भी देखने को मिलेगा नेक्स्ट है हमारा वॉल्यूमेट्री पिपेट इट अल्सो नॉन एज अ बल्ब पिपेड बेली पिपेड वॉल्यूमेट्री पिपेड को हम लोग बल्ब पिपेड और बेली पिपेड भी कहते हैं आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं वॉलीमेट्री पिपिड कैसा दिख रहा है अल्सो एक्सट्रीमली एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एंड इज कैलिब्रेटेड टू डिलीवर एक्यूरेटली वॉल्यूम ऑफ लिक्विड ठीक है वॉल्यूमेट्री पिपिड जो होता है वो क्या करता है एग्जैक्ट मेजरमेंट करता है वॉल्यूम का जो सॉल्यूशन होता है जो लिक्विड होता है ठीक है जो भी हम सॉल्यूशन यूज़ कर रहे हैं उसको एग्जैक्ट उसका वॉल्यूम हमें बताता है ठीक है ये अवेलेबल होता है डिफरेंट साइज पे फाइव एम एल टेन एम एल ट्वेंटी फाइव एम एल फिफ्टी एम एल एंड हंड्रेड एम एल और फाइव हंड्रेड एम एल पे ये डिफरेंट साइज पे ये अवेलेबल होता है नेक्स्ट है हमारा इस्पेचुला आप यहाँ पे डायग्राम में देखिए स्पेचुला कैसा दिख रहा है ए मेटल स्पून विद डिफरेंट डिज़ाइन एट दी बोथ इंड इस्पेचुला कैसा दिखता है मेटल स्पून का होता है जो कि डिफरेंट डिजाइन होता है उसके दोनों इंड पे यूज फॉर स्क्रिपिंग ट्रांसफरिंग और अप्लाइंग पाउडर इस्पेचुला का हम यूज कब करते हैं जब हमें कोई भी स्क्रीपिंग जब हमें स्क्रिपिंग करना होता है या ट्रांसफर करना होता है या पाउडर को अप्लाई करना होता है उस कंडीशन में हम स्पेचुला का यूज करते हैं इज मेड ऑफ स्टेनलेस स्टील एंड प्लास्टिक ये किससे बना होता है ये प्लास्टिक का भी बना होता है और स्टेनलेस स्टील का बना हुआ होता है नेक्स्ट हमारा रिएजेंट बोतल आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं रिएजेंट बोतल रिएजेंट बोतल इट इज मेड ऑफ ग्लास प्लास्टिक बोरोसिलिकेट ग्लास रिएजेंट बोतल किसका बना होता है ग्लास का भी बना हुआ होता है प्लास्टिक का भी बना हुआ होता है और बोरोसिलिकेट ग्लास का भी बना होता है यूज टू स्टोर केमिकल्स लिक्विड और पाउडर्स तो हम लोग रिएजेंट बोतल का क क्या यूज करते हैं जब हमें कोई भी केमिकल लिक्विड या पाउडर को स्टोर करना होता है तो उस कंडीशन में हम लोग रिएजेंट बोतल का यूज करते हैं अगर आप केमिस्ट्री लेप में काम किए होंगे या गए होंगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कैबिनेट या स्लिप्स में रखी रहती है रिएजेंट बोतल ठीक है नेक्स्ट है हमारा मोटर और पिस्टल ठीक है पेसल मोटल और पेसल क्या है आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं मोटर और पेसल ये बहुत ही कॉमन होता है जो आपको देखने को मिलते रहता है ठीक है द मोटर द मोटर इज ड्यूरेबल बाउल कॉमनली मेड ऑफ स्टोन और वुड तो मोटर किससे बना होता है नीचे वाला जो पार्ट होता है ये आपको देखने को मिलेगा देखिए आप जो नीचे वाला पार्ट है उससे हम लोग कहते हैं मोटर ठीक है ये मोटर कहलाता है और ऊपर वाला जो पार्ट है ये पेसल कहते हैं हम लोग इसे ठीक है तो मोटर क्या होता है बहुत ही लंबे समय तक चलने वाला चीज़ है जो कि स्टोन सिरेमिक और वुड का बना हुआ होता है ठीक है मोटर किसका बना होता है लकड़ी का बना होता है पत्थर का बना होता है और सिरेमिक का बना हुआ होता है द पेसल इज अ राउंड ग्राइंडिंग क्लब ऑफ एंड मेड ऑफ सेम मटेरियल एज मोटर जिस मेटल का ये मोटर बना होता है उसी मेटल का पेसल भी बना हुआ होता है ठीक है लेकिन क्या होता है ये जो होता है हम यूज करते हैं कब जब हमें कोई भी चीज मिक्स करना होता है ठीक है मिक्सिंग पाउडर के लिए हम यूज करते हैं तो चलिए नेक्स्ट है हमारा वॉच ग्लास आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं वॉच ग्लास कैसा दिख रहा है इट इज़ अ सर्कुलर कौन पीस ऑफ ग्लास कैसा होता है सर्कुलर होता है ठीक है कौन पीस ऑफ ग्लास होता है जिससे हम यूज करते हैं ए सरफेस टू एवेपरेट अ लिक्विड वाच ग्लास को हम कब यूज करते हैं जब हमें कोई सरफेस को एवेपरेट करना होता है ठीक है फॉर हीटिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एज ए कवर फॉर अ बीकर किसी भी लिक्विड को रखकर कर कर सकते हैं वेट करते समय सॉलिड को हम इसमें रखकर वेट कर सकते हैं या बीकर पर अपोजिट रखकर किसी भी सब्सटेंस को हीट कर सकते हैं ठीक है नेक्स्ट है हमारा पेट्रीडिस पेट्रीडिस आप डायग्राम में देखिए कैसा दिख रहा है पैट्रीडिस सेलो सिलेंड्रिकल कंटेनर फिटेड लीड्स दैट आर डिजाइन स्पेसिफिकली और फॉर माइक्रोब्स और सेल कल्चर यूज पेट्री डिस्क का हम कब यूज करते हैं जब हमें हम माइक्रोबायोलॉजी में यूज करते हैं जब हमें माइक्रोब्स या सेल कल्चर के लिए हम यूज करना होता है तब हम यूज करते हैं ठीक है ये सिलेंड्रिकल कंटेनर होता है दे आर मेड अ बोरोसिलिकेट ग्लास और क्लियर प्लास्टिक एंड कॉमन एंड कम इन अ वेराइटी ऑफ साइज पेटरी डिस्क किससे बना होता है बोरोसिलिकेट ग्लास का बना होता है और क्लियर प्लास्टिक का बना होता है और बहुत सारे वैरायटी में ये आता है नेक्स्ट है हमारा वाश बोतल आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं वाश बोतल कैसा दिख रहा है इट इज अ बोतल दैट कैन बी स्क्वीज वाश बोतल को हम लोग क्या करते हैं प्रेशर भी कर सकते हैं वाश बोतल पर अगर हम प्रेशर दे सकते हैं ठीक है इट हैज़ अ नोजल एंड यूज टू राइज वेरियस लैब ग्लास ये इसे हम कहते हैं नोजल ठीक है इसमें नोजल होता है जब हम इसको प्रेस करते हैं तो ये क्या करता है जो भी सॉल्यूशन है वो बाहर आता है वाश बोतल आर सील्ड विद स्क्रू टॉप लीड वाश बोतल जो होता है वो सील्ड होता है स्क्रू टॉप लीड से ठीक है जैसे स्क्रू होता है वैसे बंद होने वाला ढक्कन होता है ताकि इजिली क्लोज हो जाए मेन वर्क होता है ग्लास वेयर वाश करने के काम आता है ऑन अप्लाइंग प्रेशर टू दी बोतल The liquid becomes pressurized and is forced out the nozzle into a narrow stream of liquid. जब हम वाश बोतल पे प्रेशर अप्लाई करेंगे तब क्या होगा जो लिक्विड है वो बाहर आ जाएगा प्रेशर से ठीक है फोर्स से वो बाहर आ जाएगा और बाहर आने के बाद क्या करेगा तो जो लिक्विड है वो बाहर आएगा और उससे हम क्या करेंगे ग्लास वेयर को धो सकते हैं ठीक है नेक्स्ट है डिस्पेंसिंग बैलेंस एंड ट्रिपल टीम बैलेंस आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं डिस्पेंसिंग बैलेंस और ट्रिपल बीम बैलेंस दिख रहा है आपको डिस्पेंसिंग बैलेंस का यूज होता है वेइंग केमिकल्स हम क्या करते हैं इसको केमिकल्स को वेट करने के लिए हम वजन करने के लिए, के लिए केमिकल्स का डिस्पेंसिंग बैलेंस और ट्रिपल बीम बैलेंस का यूज करते हैं ये ट्रिपल बीम बैलेंस इसलिए होता है क्योंकि इसमें तीन बीम लगा होता है थ्री बीम्स होता है ठीक है इसलिए हम यहाँ पे कहते हैं इसे ट्रिपल बीम बैलेंस नेक्स्ट है हमारा डेसिकेटर डेसिकेटर आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं यह है डेसिकेटर जो आप पिक में देख सकते हैं जो कि डिफरेंट साइज पे अवेलेबल है डेसिकेटर आर सिलबल कंटेनर कंटेनिंग डेसिकेंट्स यूज फॉर प्रिजर्विंग मॉइस्चर सेंसेटिव आइटम्स डेसिकेटर के बीच में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा होल्स ठीक है होल्स क्यों होता है ताकि जो मेडिसिन होता है जो मॉइस्चर से ख़राब हो जाता है मतलब एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर से खराब हो जाता है जो मेडिसिन उससे हम इसके ऊपर रख देते हैं ठीक है डेसिकेटर के ऊपर हम रख देते हैं और ये क्या करता है इसके नीचे जो ऐसा मेटेरियल होता है इसके नीचे जो मेटेरियल होता है वो क्या करता है वो मॉइस्चर एटमॉस्फेयर मॉइस्चर को एडेप्ट कर लेता है बट मेडिसिन मॉइस्चर एडेप्ट नहीं कर सकता इसलिए डेसिकेटर को हम मेडिसिन के अंदर प्रिजर्व करने के लिए रखते हैं कॉमन यूज इज़ टू प्रोटेक्ट केमिकल्स विच आर रिएक्ट विद वाटर फॉर ह्यूमिडिटी डेसिकेटर का हम कॉमन यूज क्या करते हैं प्रोटेक्ट करते हैं मेडिसिन केमिकल्स को जो कि वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है ह्यूमिडिटी से ठीक है नेक्स्ट हमारा वाइल्स आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं वाइल्स वाइल्स को हम लोग फाइल और फेलाकॉन भी कहते हैं वाइल्स आर स्मॉल ग्लास और प्लास्टिक कंटेनर और बोतल ऑफेन यूज टू स्टोर मेडिकेशंस एज लिक्विड पाउडर और कैप्सूल वाइल्स जो होता है ग्लास और प्लास्टिक कंटेनर का भी देखने को आपको मिल सकता है ठीक है मिलता है और इसका यूज क्या होता है हम जो भी मेडिकेशन है जैसे जो भी लिक्विड है पाउडर और कैप्सूल है उसको हम इसमें वाइल्स में रख सकते हैं नेक्स्ट है हमारा थर्मोमीटर लैब थर्मोमीटर आर डिवाइस यूज टू मेजर टेम्परेचर थर्मोमीटर आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं जिसका हम यूज़ करते हैं टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए इट इज़ अवेलेबल फॉर डिफरेंट टेम्परेचर रेंजेस ये बहुत सारे ये अवेलेबल होते हैं डिफरेंट टेम्परेचर रेंजेस पे नेक्स्ट हमारा वाटर बाथ आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं वाटर बाथ इस वाटर बाथ में हम क्या करेंगे पानी को जमा कर देंगे ठीक है तो ये वाटर बाथ कहलाएगा इट इज़ यूज टू हीट सैंपल्स इन दी लेबोरेटरी इन हॉट वाटर वाटर बाथ का यूज क्या होता है हम जो भी सैंपल है ठीक है उसको क्या करते हैं हॉट वाटर में हीट करने के लिए यूज करते हैं जनरली कंसिस्ट ऑफ हीटिंग यूनिट स्टेनलेस स्टील कॉपर होल्ड्स दी वाटर इन सैंपल ये किससे बना होता है स्टेनलेस स्टील का बना हुआ होता है कॉपर का जो कि क्या करता है वाटर और सैंपल्स को होल्ड करके रखता है और हीट करके हमें देता है डिफरेंट डिफरेंट वाटर बाथ अवेलेबल हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं इसे क्या करते हैं इसे हटा के हम पानी भर देते हैं फिर उसके बाद सैंपल हम हीट करते हैं और इसमें थर्मोस्टेट भी रहता है थर्मोस्टेट में हम लोग टेम्परेचर सेट कर लेते हैं उसके बाद हमें हीट सैंपल मिलता है नेक्स्ट है हॉट प्लेट आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं कि हॉट प्लेट कैसा है इट इज यूज टू हीट वेयर और इट्स कंटेंट हॉट प्लेट का हम यूज करते हैं ग्लासवेयर को हीट करने के लिए और ग्लासवेयर का कंटेंट को हीट करने के लिए सम हॉट प्लेट अल्सो कंटेंट मैग्नेटिक स्टायर अलॉन्ग हीटेड लिक्विड टू बी स्टायर ऑटोमेटिकली कुछ हॉट प्लेट क्या करता है मैग्नेटिक स्टायर भी कंटेंट करता है जो कि हीट होता है खुद ब खुद लिक्विड को हीट कर देता है ठीक है कैन बी रेक्टेंगुलर स्क्वायर और सर्कुलर इन शेप एंड ट्रीटेड विथ थर्मोस्टेट हॉट प्लेट जो होता है कोई भी शेप में रेक्टेंगुलर स्क्वायर और सर्कुलर शेप में देखने को आपको मिल सकता है और ये थर्मोस्टेट इसमें होता है ताकि हम डिफरेंट टेम्परेचर पे ग्लासवेयर को हीट कर सके नेक्स्ट हमारा डिस्टिलेशन अपर्टस आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं डिस्टिलेशन अपर्टस इसका वर्क क्या होता है यूज टू प्रिपेयर डिस्टिल वाटर डिस्टिलेशन डिस्टिलेशन अपर्टस से हम क्या है? करते हैं डिस्टिल वाटर को प्रिपेयर करते हैं इट इज़ बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ डिस्टिलेशन ये किस पे बेस्ड होता है प्रिंसिपल ऑफ डिस्टिलेशन पे बेस्ड होता है जहाँ पर वाटर को हीट किया जाता है फिर क्या करते हैं उसका जो वेपर होता है वेपर को बनाया जाता है फिर उसको ठंडा करके कलेक्ट किया जाता है और कलेक्ट करने के बाद जो लिक्विड बनता है उससे हम उसी को हम डिस्टिल वाटर कहते हैं जिसे हम लैब में यूज करते हैं ठीक है एक्सपेरिमेंट में डिस्टिलेशन अपटस क्लियर है ओके okay, फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही आई होप आपको अच्छा लगा अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें कमेंट करें और शेयर करें थैंक यू